Yeah, hi guys, I'm Dr. Rajat. आज conventional implants और basal implants के बारे में बताना चाहूंगा because बहुत सारे patients ने मुझे query की है, DM किया है कि भाई basal implants और conventional में फर्क क्या है. तो आज का वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो मैं पूरा हिंदी में बनाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा. अब जब इम्प्लांट बोन में जब प्लेस होता है ना, तो वो बोन के साथ जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन. अब कन्वेंशनल इम्प्लांट डिजाइन ऐसे होता है कि उसका जो सारा सरफेस होता है ना, वो बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाए. वेयर एज जो बेसल इम्प्लांट्स होता है ना, वो काम करते हैं ऑसियो फिक्सेशन पर. अब एक है ऑसियो इंटीग्रेशन, एक है ऑसियो फिक्सेशन. अब बेसल इम्प्लांट्स में उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है ना, वो बोन से इंटीग्रेट होगा. मतलब कि वो सपोर्ट लेते हैं जबड़े की सबसे डेंस और हार्डेस्ट बोन, वो होता है कॉर्टिकल बोन, जो सबसे हार्डेस्ट और डेंस बोन होती है. अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि कब बेसल इम्प्लांट्स डालें और कब कन्वेंशनल इम्प्लांट प्लेस करें. अब आइडली जब जबड़े की बोन कितनी भी कम हो, तब हम बेसल इम्प्लांट्स डालते हैं, क्योंकि हड्डी कितनी भी गल जाए उसका कॉर्टेक्स तो वही रहेगा. तो जो कॉर्टेक्स है और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स डालते हैं जब हमारी बोन विड्थ और हाइट अच्छी होती है, विड्थ और हाइट जो होती है वो अच्छी होती है. लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जहां बोन कम होती है और तब भी हम वहां कन्वेंशनल इम्प्लांट्स डालते हैं, प्लेस करते हैं, क्योंकि सारा प्रोसीजर आपके डेंटिस्ट के स्किल्स और एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके डेंटिस्ट के स्किल्स और एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है. अब आप बोन ग्राफ्टिंग करके भी कन्वेंशनल इम्प्लांट्स अच्छे से डाल सकते हैं. तो लेट योर डेंटिस्ट डिसाइड कि वो टाइप ऑफ इम्प्लांट्स, क्या इम्प्लांट प्लेस करेगा. अब सवाल आता है कि लोडिंग का. अब कुछ लोग कहते हैं कि बेसल इम्प्लांट्स को 72 घंटे में लोड कर सकते हैं, मतलब कि 3 दिन में आप पेशेंट को दांत दे सकते हैं, फिक्स दांत दे सकते हैं. अब आपको बता देता हूं कि आपको कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में भी 3 दिन के अंदर अंदर दांत मिल सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में पेशेंट को इमीडिएट लोडिंग नहीं दे सकते हैं. मैं अपने हर पेशेंट को इमीडिएट लोडिंग देता हूं और वो भी कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में, और बड़े शानदार रिजल्ट्स आते हैं. अब बेसल इम्प्लांट्स में अगर आपको एंगुलेशन चेंज करना है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये वन पीस इम्प्लांट्स होते हैं. मतलब अबटमेंट और इम्प्लांट, अबटमेंट जो उसका ऊपर का एरिया होता है ना, वो एक साथ होते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. Whereas conventional implants में ना abutment अलग आती है और वहाँ angulation change करना easy होता है. आपके पास बहुत components होते हैं, आप customize कर सकते हैं, आप digitalization कर सकते हैं. अब आते हैं cementation पर, जो बड़ा important step है prosthetic part की अगर बात करेंगे. तो अब traditional जो basal implants है ना, उसका एक disadvantages basal implants के बारे में बात करूँ. disadvantage है उसका prosthesis. पेशेंट्स को दिया जाता है बट वो सीमेंट से लगाया जाता है. मतलब कि अगर इन फ्यूचर आपको प्रोसेसेस किसी भी कारणवश निकालना पड़े, वो बहुत मुश्किल होगा. वेयर एज कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में ज़्यादातर दांतों को इम्प्लांट के स्क्रू से लगाया जाता है, जो फ्यूचर में मेंटेनेंस के लिए और निकालने के लिए ईजी रहता है. तो मैं हमेशा 3 शब्दों में इसको बताता हूँ कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं. तो भाई अब कॉस्ट की बात करेंगे तो अब बेसल इम्प्लांट्स में क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा बोन में जाकर एंगेज होता है जो कॉर्टेक्स से जुड़ता है. इसमें आपको इम्प्लांट ज़्यादा प्लेस करने की ज़रूरत होती है बिकॉज आपका जो प्रोसेस होता है ना, मास्टिकेटरी लोड बियर कर सके. अब कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में आपको जबड़े में 4 या 6 इम्प्लांट्स सफिशेंट होते हैं और वो बोन का पूरा जो सरफेस होता है वो एंगेज कर जाता है. तो वो जो कॉस्ट होता है ना हमारे बेसल इम्प्लांट्स या कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में, जो कॉस्ट का जो फैक्टर है वो डिपेंड करेगा कि आपके जो डेंटिस्ट है उसका स्किल कैसा है, प्रोविजनल जो प्रोसेसेस है उसका डिज़ाइन कैसा है. बट कंपैरिजन की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करें, जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के जो रिजल्ट्स हैं उसकी जो स्टडी है वो 50 साल की है. बेसल इम्प्लांट्स अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिशियंस, मेरे कोलीग्स यूज़ कर रहे हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. बट मैं खुद कंफर्टेबल हूँ कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में, बिकॉज कन्वेंशनल इम्प्लांट में ऐसे बोला है, डिज़ाइन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरिटोनियल टिश्यूज़, जो आपको अगर प्रोसेसेस वाइज देखें, लॉन्जिविटी के हिसाब से देखें, जैसे मुझे 18 साल हो गए हैं आज इम्प्लांट प्लेस करते करते, तो मैंने अगर जो चीज़ देखी है कि जो पेरिडोनटल बायोटाइप होता है ना, जो टिश्यूज़ होता है, उसकी जो सेहत है वो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में थोड़ी बेहतर हो जाती है. और बाकी भाई इम्प्लांट्स तो
इंसान के लिए बनाया गया है और इंसान में यूज होता है. तो इट जस्ट दैट कि बेसल इम्प्लांट्स भी अच्छा है, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स भी अच्छा है, बट इट इज जस्ट दैट जो डेंटिस्ट है वो कितना प्रोफिशिएंट है, उसने कितनी मेहनत की है उस स्टडी को पढ़ने के लिए और वो इम्प्लांट यूज करने के लिए. तो इसीलिए चाहे वो बेसल हो या कन्वेंशनल हो, जिसका काम उसी को साजे. और मैंने हमेशा बोला है, आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे, बहुत सारे मैसेज आते हैं. एक दिन में कम से कम 50 से 80 मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में भी मैसेज आते हैं अराउंड 20 से 25. मुश्किल है मेरे लिए रिप्लाई करना सबको. व्हाट्सएप पे भी मुझे पेशेंट मैसेज करते हैं, बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए सबको रिप्लाई करना. जैसे मैंने बोला है, आपके पास कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू. बट अगर आपको असली में अगर आपको अपने दांतों के बारे में पता करना है या राय लेनी है, आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कीजिए. वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू. हमारे प्रोस्टोडोंटिस्ट क्लिनिक में इन हाउस पेरोडोंटिस्ट हैं और बहुत प्रोफिशिएंट है. हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए. तो अगर किसी भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.